श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव 11 सितंबर को एक दिवसीय शिव चर्चा में जो कि इंदौर में संपन्न हुई थी, परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो गई हो, चाहे वो टीवी की गांठ हो, कैंसरस वाली गांठ हो या लिपिड वाली गांठ हो या साधारण नॉर्मल सी गांठ क्यों ना हो, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है तो आपको एक उपाय जरूर से करना है। इस उपाय को आपको लगातार 3 दिन तक करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र और एक दुर्बा लेकर मंदिर चले जाना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग के आपको उत्तर दिशा में खड़े हो जाना है। अब उत्तर दिशा में आप खड़े हो गए, अब आपके हाथ में जो बेलपत्र है उसको आपको समर्पित कर देनी है। श्री तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए उसके बाद आपको एक दुर्बा आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। यहाँ पर आपको 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहली ये कि आपका मुख जब आप बेलपत्र और दुर्बा को समर्पित करेंगे उत्तर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि बेलपत्र और दुर्बा की जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, मतलब उनकी भी डंडी वाला भाग जल उत्तर की दिशा में होना चाहिए बेलपत्र और दुर्बा का। अब आपने तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र और दुर्बा को उठा करके वापस आपको घर ले आना है। अब आपको करना क्या है, जो आप वापस एक दुर्बा और एक बेलपत्र आप लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आपको एक दुर्बा खाली पेट सुबह खा लेनी है, उसके बाद आपको दोपहर के समय एक बेलपत्र जो है उसको खा लेनी है। ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक इस उपाय को करना है। इसके बाद 3 दिन के बाद आप चाहें तो डॉक्टरी जांच आप करा सकते हैं। निश्चित रूप से इस उपाय को कर लेने से आपकी जो शरीर में गांठ है वह गल चुकी होगी, क्योंकि तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने मात्र से हमारे शरीर की सभी कष्ट सभी पीड़ाएं दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुमरुकेश्वर नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसके नाम मात्र से ही सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में यह उपाय जरूर से करके देखें यदि आपके साथ गांठ की समस्या है तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।